समझिए कि गाय को कुत्ते ने काटा और कुत्ते का धर्म तलाशा गया। इतने गंभीर बात करने के साथ साथ ये देखने की बात है कि कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि गाय हिंदू हो गई, कुत्ते का धर्म तलाशा गया, कुत्ते का धर्म देखा गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। कैसे देखा गया सर उसका? पता किया गया कि उसका मालिक कौन है। अच्छा। तो पता उन लोगों को भीड़ जब जुटी जो कुत्ते जो पता चला कि कुत्ते ने गाय को काट लिया, तो भीड़ जब जुटी तो उसने पता किया कि कुत्ते का मालिक कौन है, तो उनको लगा कि मुसलमान है और वो उसके बदला लेने के लिए उतारू हो गए कि मुसलमान का कुत्ता गाय को काट जाएगा, हमारी गौ माता को काट जाएगा। वो उतारू थी, हिंसा पर उतारू थी। बाद में पूरे पटना की पुलिस वहां जमा हुई, मामले को ठंडाने की कोशिश की गई, भीड़ मान नहीं रही थी, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो ये कुत्ता भी हिंदू ही है, पता चला कि वो शकुंतला ज्वेलर्स के मालिक हैं, उन्हीं का वो कुत्ता है, भीड़ शांत हो गई। भीड़ को मानो कि उनको एक ऐसा झटका लगा कि अब वो क्या करें, उनके सामने बोलने के लिए कोई उपाय ही नहीं था। उनको तो चाहिए था कि वो मुसलमान होता कुत्ता। अब भीड़ हतप्रभ थी, अब क्या करें, फिर वापस लौट गई। अब देखिए यह कितना एक तरफ हास्यास्पद है कि कुत्ते का धर्म तलाशा गया, गाय हिंदू समुदाय के लोगों की माता तो है ही, और कुत्ते हिंदू है कि मुसलमान है यह देखा गया, और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई वह अकल्पनीय है, दंगा होते होते बचा। अब यह समझ लीजिए कि यह स्थिति कहाँ तक जा चुकी है। अब वह किसी मुसलमान ने मारा पीटा काटा का मामला नहीं आया, मुसलमान का कोई पालतू कुत्ता भी अगर काट लेगा तो सवाल खड़ा हो जाएगा, बवाल खड़ा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। जबकि सर हिंदू धर्म में कुत्ता जो है उनको भैरव जो हमारे देवता हैं उनका उपाधि दिया गया है, तब भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई। नहीं, अब सोचिए ना, स्थिति यह उत्पन्न हो गई कि उसका धर्म तलाश लिया गया।